चौथे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन डेब्यूटेंट आकाशदीप ने अपनी तेजी से कहर बरपाते हुए 3 विकेट झटक कर मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि इसके बाद जो रूट ने डट कर खेलते हुए एक शानदार शतकीय पारी खेल डाली और पहले दिन के खेल खत्म होने तक टीम के स्कोर को 302 रनों तक पहुंचा दिया। आकाशदीप ने अपने डेब्यू टेस्ट में जोरदार शुरुआत की और अपने स्पेल के पहले ही ओवर में जैक क्रॉली के स्टंप उखाड़ दिए, लेकिन उस गेंद को नो बॉल करार दिया गया। इसी के साथ वो पहले टेस्ट विकेट से वंचित रहने वाले 7वें गेंदबाज बन गए, पर इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। करिश्माई फिरकी गेंदबाज अश्विन ने जॉनी बेयरस्टो का विकेट लेते ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अश्विन टेस्ट में किसी एक टीम के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले और 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय और ओवरऑल 7वें खिलाड़ी बन गए। अश्विन ने 2 देशों के खिलाफ विकेटों का शतक पूरा किया है, पहले ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड। पहले सेशन में 5 विकेट गंवाने के बाद जो रूट इंग्लैंड के लिए संकट मोचक बनकर उभरे और अपने रनों के सूखे को खत्म करते हुए भारत के खिलाफ अपना 20वां 50 से अधिक का स्कोर बनाकर विकी पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इतना ही नहीं, रूट ने हमवतन एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लंच के बाद बेन फोक्स ने भी रूट का साथ देते हुए जुझारू बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया, और इस सीरीज में पहली बार इंग्लैंड ने पूरे सेशन में एक भी विकेट नहीं खोया। जो रूट ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ते हुए भारत के खिलाफ अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया, और इस बेहद शानदार पारी के साथ ही रूट ने क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज का तमगा भी अपने नाम कर लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।